आज के बदलते परिवेश में खेतीबाड़ी में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। उन्नत एवं आधुनिक कृषि तकनीकों के आने से कृषि कार्य काफी सुगम और लाभकारी हो रहा है। आज फसल लगाने से लेकर कटाई तक कृषि यंत्रों का उपयोग हो रहा है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि कृषि कार्यों में पर्यावरण प्रबंधन का भी समुचित ध्यान रखा जाए, जिससे जल, वायु, पृथ्वी का स्वास्थ्य सही रहे और हम इनसे लाभ प्राप्त करते रहें। हाल के वर्षों से कई किसान भाई फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों का सही प्रबंधन न करके इसे खेतों में जला देते हैं, जिसका हानिकारक प्रभाव हमारी उपजाऊ मिट्टी के जैविक संरचना पर पड़ता है। वहीं इससे वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। आइए जानें फसल अवशेष जलाने के हानिकारक प्रभाव के बारे में। पुआल, भूसा आदि को खेतों में जलाने से मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं, मित्र कीट और केचुआ की मृत्यु हो जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता कम होती जा रही है। जमीन के लिए जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। फसल अवशेष जलाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। वायुमंडल प्रदूषित होता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। भूमि में उपलब्ध जैविक कार्बन नष्ट होता है। इस प्रकार हम स्वयं अपने खेतों और वातावरण को बीमार कर रहे हैं, जबकि इन फसल अवशेषों को हम विभिन्न लाभकारी कार्यों में उपयोग कर इसका समुचित प्रबंधन कर सकते हैं। फसलों के इन अवशेषों, धान के पुआल, खूंटी, भूसा आदि से हम जैविक खाद का निर्माण कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट निर्माण में गोबर के साथ इनका प्रयोग कर हम खाद बना सकते हैं। वहीं किसान भाई अगर फसल कटाई में कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग कर रहे हैं, तो फसल कटाई उपरांत बचे अवशेष, पुआल, भूसा आदि को जलाने की बजाय हैप्पी सीडर मशीन से गेहूं की बुआई करें। वहीं खेत की सफाई के लिए बेलर मशीन का उपयोग करें। फसल अवशेषों का उपयोग मल्चिंग में भी किया जा सकता है, जिससे खेत की नमी बनी रहती है और सिंचाई जल की भी बचत होती है। आज कई किसान फसल अवशेषों को खेतों से हटाने और इसकी सकारात्मक इस्तेमाल के लिए रचनात्मक कार्यक्रम का सहारा ले रहे हैं। इन सब उपायों को अपनाकर हम अधिक लाभ ले सकते हैं। जितना भी हम लोगों का सरकारी स्कूल हो, दफ्तर हो, सब जगह बापू ने कहा सात सामाजिक पाप, उसको लिख दे रहे और नीचे जो बापू का ये कहना था कि भाई जिसकी चर्चा हमने की, ये धरती तुम्हारी जरूरत को पूरा करेगा, लालच को नहीं पूरा करेगा, हम लोग इसको भी प्रचारित कर रहे हैं। तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में कॉन्शसनेस आए। लेकिन अगर मान लीजिए कि फसल की कटनी के बाद उसमें आग लगा दे रहे तो कितना नुकसान हो रहा है। सब अभी फिल्म में भी दिखला रहे हैं, सारे लोग इन बातों को कह रहे हैं, तो ये तो लोगों को समझाना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज है जिसको लोग जला देते हैं, हम लोग कहते हैं जलाइए मत, तो उससे जो कुछ भी चीज बनेगा, जो भी चीज होगा जिसको फिल्म में दिखाया जा रहा, उसकी कीमत अच्छी किसानों को मिल जाए। अगर उसको पता चलेगा कि भाई हम जलाएंगे नहीं, जो कुछ भी हमारा है उसको निकालेंगे और उसको इकट्ठा करेंगे, तो ये भूसा है या अन्य प्रकार से भी जो इसका उपयोग होगा, कई प्रकार से इसका उपयोग होगा, उसके लिए उनको आमदनी हो जाएगी। जैसे अनाज बेचते हैं उससे आमदनी है, उसी तरह से फसल अवशेष से भी उनको आमदनी हो जाएगी। जब उनकी आमदनी बढ़ेगी तभी लोग समझेंगे। आइए फसल अवशेषों का सही उपयोग कर मिट्टी और पर्यावरण बचाएं, अपनी खेती को लाभकारी बनाएं।